Accurate analysis of over 25,000 men and women who had experienced failure disclosed the fact that lack of decision was near the head of the list of the 30 major causes of failure. 30 वजह जो इन्होंने ढूंढी निकाली फेलियर की कि जिस वजह से लोग फेल होते हैं उस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो है दैट इज लैक ऑफ डिसीजन. दिस इज नो मियर स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट. प्रोक्रास्टिनेशन द ऑपोजिट ऑफ डिसीजन इज अ कॉमन एनिमी दैट प्रैक्टिकली एवरीबडी मस्ट कॉन्कर. अब क्या कहा जा रहा है यहां पे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है? प्रोक्रास्टिनेशन. मतलब क्या कि हम टालते रहते हैं, लैक ऑफ डिसीजन. लाइफ इज ऑल अबाउट अ डिसीजन. लाइफ क्या है अगर डिसीजन नहीं है तो? हर कदम पे एक डिसीजन, और डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक डिसीजन है. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? लैक ऑफ डिसीजन. कि हम सही टाइम पे जब सही मौका होता है तब सोचते रह जाते हैं, फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है, फिर उसके बाद में सिर्फ रिग्रेट करते हैं. ऐसा हमने अपने घरों में बहुत बार होते हुए देखा है. बड़े बूढ़े जब बैठ करके बात कर रहे होते तो क्या बातें कर रहे होते? उस टाइम पे मुझे मौका मिला था ये करने का, अगर कर लिया होता तो मैं आज पता नहीं कहां होता. तो क्यों नहीं किया? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मिलेगा वो है फियर. इस बुक में एक और चैप्टर, यहां ठीक है अच्छा हो गया तो इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन बुरा हो गया तो इतना बुरा भी हो सकता है. तो हम डर गए, इस वजह से हमने वो नहीं किया. जो सबसे बड़ा फैक्टर है फेलियर का वो क्या है? कि वो कुछ करते ही नहीं है, इस वजह से फेल हो जाते हैं. इसलिए नहीं कि कुछ करते हैं और फिर उसमें फेल हो जाते हैं, नहीं, वो कुछ करते ही नहीं है, यानी सोचते ही रह जाते हैं. ना कुछ करने का डिसीजन ले पाते हैं, ना कुछ नहीं करने का, बीच में अटके रह जाते हैं और मौका निकल जाता है. इन अदर वर्ड्स, कल पे नहीं डालना है. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, ये करना है ना, कर लेंगे, तब तक कोई और कर जाता है. फिर वो आकर के क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि अरे ये तो मेरा आइडिया था, उसने कॉपी कर लिया. अरे वो तो तुझे जानता तक नहीं, उसने कैसे कॉपी कर लिया? वो ये कहना चाह रहा है कि उसने कर लिया और मैं सिर्फ सोचता ही रह गया. दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डिसीजन इन सिंपल वर्ड्स. कि मतलब मैं करने के बारे में सोचता रहा लेकिन कोई और था जिसने सोचा, या ये कह लो हजारों लाखों लोगों ने सोचा लेकिन उसमें से कोई एक था जिसने सिर्फ सोचा ही नहीं किया. ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों के बीच में और वो लोगों के बीच में जो सोचते रह जाते हैं. अब इसमें एक और पॉइंट है चैप्टर 9 के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, दैट इज परसिस्टेंस. द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस इज द पावर ऑफ विल. मतलब क्या कह रहे हैं? परसिस्टेंस कहां से आता है? विल पावर से. कि हमारे जो अंदर की विल पावर है दैट मस्ट बी स्ट्रांग इनफ. कि जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट चल रहा हो उस वक्त भी हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ऐसा तो होगा ही. बिल्कुल जैसे मौसम बदलता रहता है ऐसे ही लाइफ में होता है. सब कुछ हमारे फेवर में नहीं हो सकता ना हमेशा. जितना बड़ा आप कुछ अचीव करना चाहोगे, क्योंकि यहां पर उसी की बात करी जा रही है, जितनी बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहोगे उतने ही बड़े ऑब्स्टेकल्स बार 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 बीच में आएंगे. उसके बावजूद भी अपनी विल पावर के बेस पे अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मतलब क्या कि चाहे कुछ भी हो रहा है आगे बढ़ते रहना. बिल्कुल जैसे मैंने अभी मौसम का एग्जांपल दिया, यानी कि मौसम कैसा भी है, कभी बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, ये आ गई, वो आ गई, कुछ भी हो रहा है आगे बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं. तो आदमी के अंदर ऐसी विल पावर होनी चाहिए कि कम वॉट मे आई विल नॉट गिव अप अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस एंड दैट इज बाय फार द बिगेस्ट क्वालिटी इन लाइफ. Not just to be successful in life, but in any sphere of life. चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, परसिस्टेंस तो चाहिए. क्योंकि जिसकी छोड़ने की आदत पड़ जाएगी ना, कि जरा सी प्रॉब्लम आई छोड़ूंगा क्या करेंगे, वो छोड़ता ही रहेगा जिंदगी में, वो भागता ही रहेगा, वो भगोड़ा बन करके रह जाएगा. और जिसकी आदत हो गई फेस करने की, वो फिर हर सिचुएशन को फेस करेगा, और फेस करके ही तो आगे बढ़ा जा सकता है. कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसको बिना फेस करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. आपका जो सबसे बड़ा डर है वो आपके सामने है, बट बिना उसको कॉन्कर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते. यानी जब आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन सब आपको डरा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, फिर भी अंदर से आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करते हो और कहते हो नहीं करना है तो करना है. दैट इज विल पावर अगेंस्ट ऑल ऑड्स. आप अगर चलते रहते हो That is willpower.